नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कर्नाटक के बीदर जिले में दशहरा रैली में भाग ले रहे कुछ लोग एक पुराने मदरसे में घुस गए। यहां पर इन लोगों ने नारेबाजी की और मदरसे के एक कोने में पूजा भी की। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर शुक्रवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देकर मुस्लिमों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। महमूद गवान नाम यह मदरसा 1460 में बनाया गया था। यह मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आता है। यह इमारत देश के अहम स्मारकों की सूची में भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि इस भीड़ में बुधवार शाम मदरसे का ताला तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मदरसे की सीढ़ियों पर खड़े होकर जय श्री राम और हिंदू धर्म जय के नारे लगाए, फिर मदरसे के एक कोने में खड़े होकर पूजा भी की। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें भीड़ मदरसे की सीढ़ियों पर खड़े होकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करती नजर आ रही है। लोकल पुलिस के एक अफसर का कहना है कि 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बीदर के कई मुस्लिम संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों की मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा नहीं होने पर शुक्रवार को नमाज के बाद बड़े स्तर पर प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।